वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे शेयर्स के बारे में जो मार्केट में बहुत ही अच्छा फ्लो बना के रखी हुई है। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। तो बात करने वाले आज हम लोग CDSL शेयर्स के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने चार्ट ओपन कर लिया, राइट नाउ 1097 रुपीज़ पे करेंटली ट्रेड कर रही है मार्केट में। मार्केट में इसकी बहुत ही अच्छी फ्लो है और बहुत ही अच्छा वैल्यू भी है, क्योंकि ये एक मार्केट में ये जो शेयर्स है वो मोनोपोली मार्केट क्रिएट करती है। अपने अपने अगर NSE में ध्यान दे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स में एक अच्छी खासी वैल्यूएबल शेयर इसको बोला जाता है, और इनफैक्ट जो मोनोपोली है इसकी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाने को देख सकती है। तो आप लोग से कुछ सेगमेंट के बारे में बात करनी है, पर उससे पहले दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं 43 की होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी खासी होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है, पर मेन इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो शेयर्स में कैसा मतलब प्रॉफिट बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मूव करूँ आप लोग तो दिखाऊँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले के सिचुएशन में और अभी के सिचुएशन में क्या डिफरेंस आते हुए दिखी है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्च 2021 में अच्छी तेजी थी, यहाँ पे टोटल इनकम ग्रोथ EBIT सब पे भी ध्यान दे तो अच्छी खासी थी। यहाँ पे EBIT जरूर आपको कम होते हुए दिखिए, लास्ट टाइम से अगर ध्यान दें तो इससे पहले आप लोग देख सकते थे कितनी ज़्यादा 115 पे थी, फिर थोड़ी सी कम होते हुए दिखी और अब 98 पे आ गई है। तो सबके पूछे थे सर क्या होगा इस शेयर्स का, मोनोपोली मार्केट होते हुए भी क्या मार्केट में ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा कि बहुत ही गंदे तरीके से डाउन जा सकती है मार्केट में। तो इस पर मैं आप लोग को क्लीन एंड क्लियर बात करता हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट और वही चीज़ हम लोग ध्यान दें फाइनेंशियल रिजल्ट पे, तो फाइनेंशियल रिजल्ट और क्वार्टरली रिजल्ट पे डिफरेंस देखिए कि कितनी ही ज़्यादा है। मार्केट में अच्छी खासी वैल्यूएबल शेयर्स है, ये आपको प्रॉफिट बनाते हुए दिखेगी और एक अच्छा खासा तेजी बनेगा। EPS पे ध्यान दें तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें 29.78, अच्छी खासी अर्निंग पर शेयर है और आप लोग के पास प्रॉफिट बनाने का भी बहुत सही टाइम है। अगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे ध्यान दें तो देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट में ये शेयर वर्क करते हुए दिख रही है। अभी हम इसकी रेंज की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1225, यहाँ इनफैक्ट बात करें 1000 से 1000 तक ब्रेक होते हुए नहीं दिखी है, 1000 के नीचे ये ब्रेक होते हुए नहीं दिखी है। पर अगर ब्रेक होते हुए दिखती है तो क्या सिचुएशन आती है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं। जो ब्रेक होते हुए दिखने की बात है तो आपको यहाँ पे 52 वीक हाई दिखाना चाहता हूँ मैं, 1734 तक गई है और यहाँ पे 52 वीक लो की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1015 तक है। यहाँ पे वही चीज़ हम लोग CDSL में ध्यान दे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ही ज़्यादा मतलब किस तरीके से फ्लो बनाते हुए दिखी है। तो बहुत कुछ पूछे थे सर अभी जिस स्टेज पर ये चल रही थी तो इस स्टेज का ब्रेकआउट मिल सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको इस सेगमेंट में जरूर दिखाना चाहूँगा। जस्ट मैं 6 मंथ पे आ जाता हूँ, तो 6 मंथ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आप ध्यान दीजिए इस सेगमेंट पे अच्छी खासी कंसोलिडेट कर रही है, अच्छी खासी कंसोलिडेट मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको कंसोलिडेट करते हुए मार्केट में ये शेयर दिख रही है। लास्ट में ये छोटा सा दम कैंडल एक हैमर क्रिएट करेगी और फिर उसके बाद ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकती है, और ब्रेकआउट इसकी इतनी अच्छी खासी रहेगी कि 1300 का भी टारगेट टच कर सकती है आपको मार्केट में। तो आपकी जो नेक्स्ट टारगेट है, मेनली मैं नेक्स्ट टारगेट के साइड मूव करूँ तो आपकी जो नेक्स्ट टारगेट है वो आराम से आपको 1300 की है। तो अब आपके पास चॉइस है कि आपको पैसा लगाना है कि नहीं, पर अगर इसमें पैसा लगाते तो एक मोनोपोली मार्केट है, आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस है और ये शेयर्स बहुत ही बेहतरीन है, तो जिसके लिए आपको वरीड नहीं होना है। ये देख सकते हैं होल्डिंग्स भी अच्छी खासे होते हुए दिखी है। यहाँ पे अगर वही बात करें प्रमोटर होल्डिंग्स सब की भी, तो प्रमोटर होल्डिंग्स सब देख सकते हैं 20%, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट 9%, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें 26, और यहाँ पे पब्लिक 44। क्यों पब्लिक इतना पैसा लगा हुआ है, रीज़न इसके पीछे यही है क्योंकि पब्लिक को पता है ये एक मोनोपोली मार्केट है और आपको प्रॉफिट होते हुए दिखेगा। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है इस शेयर्स के लिए, और सबसे अच्छी बात है कि ये जितनी भी चाहे मार्केट डाउन रहे चाहे अप रहे, चाहे ये सेल हो या मतलब सेल हो चाहे बाई हो, शेयर्स इसको प्रॉफिट मिलता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे होल्डिंग्स ठीक ठाक बनते हुए दिखी है, पर यहाँ पे थोड़ी सी मुझे चेंजेस देखने को मिले क्योंकि यहाँ पे 43, इससे पहले भी मैं देखा था 40% की होल्डिंग, तो पर यहाँ पे उस तरीके से मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा मिसमैच होते हुए दिखा है, मतलब ये वेबसाइट की गलती है, तो ये थोड़ा सा मिसमैच होते हुए दिख रहा है मुझे। पर यहाँ पे आप लोगों को सेगमेंट बता दिया हूँ, अब सपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती है सपोर्ट।
सिक्स मंथ पे आ जाते हैं, देख सकते हैं आपको ये सिचुएशन ब्रेक नहीं करते हुए दिखाई। देखिए सबसे पहले मैं सबसे लास्ट सपोर्ट की बात करूँगा, थर्ड सपोर्ट की बात करूँगा, जो थर्ड सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होती है वो 1000, इसकी थर्ड सपोर्ट है, 1000 को ब्रेक करते हुए नहीं दिखती है। और इसकी जो सेकंड सपोर्ट स्टार्ट होती है वो 150 पे, इसकी मतलब 1500 पे इसकी अच्छी खासी सपोर्ट है, सॉरी 1500 पे इसकी अच्छी खासी सपोर्ट है। जो नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 1085 तक की सपोर्ट रख सकते हैं, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट, तीनों के बारे में होता है। टारगेट की बात करें, टारगेट आपको कैसे बनते हुए दिखेगा, तो अभी अगर आप बाई करते हैं तो 1100 तक का थोड़ा सा वेट कर लिया, उस स्टेज पे कंसोलिडेट करती है 1200, मतलब अच्छी खासी टाइम कंसोलिडेट कर रही है, तब तो मूव करना ज़्यादा बेटर रहेगा। पर आपको अगर एक वीक कंसोलिडेट में आपको 1200 तक की फ्लो बनाते हुए दिख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट चांसेस रहेगी कि इसी मंथ में 1300 तक भी जा सकती है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माई बेल आइकन, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड कोलीग सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए कि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और जिन किसी के पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है और डीमैट अकाउंट चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी अपस्टॉक्स में, जिसमें नाम आपके बराबर ब्रोकरेज चार्ज लगती है। थैंक यू।